मेरा नाम आयान खान है और मैं छात्र संघ का पूर्व उपाध्यक्ष हूँ और आज हम कलेक्टर में हाजिर हुए हैं। जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन दिया था रजा डिग्री कॉलेज के पास चौराहे पर एक पुलिया जो पिछले साल टूटी थी वो अभी तक नहीं बनी है। मैंने पिछले दिनों बयान भी लगाया था जिससे काफ़ी छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग आए दिन उस पुलिया में गिर रहे हैं, लोगों का कारोबार ठप पड़ा हुआ है। ये वहाँ के सब निवासी हैं, इसमें हमारे साथ छात्र भी हैं, गिर के घायल हुए। आपने मैंने अभी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली थी उसके अंदर उसका हाथ टूटा है। ये राहगीर लोग निवासी हैं वहाँ के, उसको लेकर जिला अस्पताल लेके पहुँचे थे। मेरा जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस पुलिया को बनवाया जाए, जिनका हम धन्यवाद करेंगे। कितना टाइम हो गया पुलिया को? पिछले साल की बात है साहब, तो नया साल शुरू हो गया है। जी पिछले साल जो बरसात आई ना उसके कारण वो साफ करने की तोड़ी गई थी, लेकिन अभी तक उसका कोई भी निर्माण नहीं हुआ। बस खाली आन गए नगर पालिका के कर्मचारी चेयरमैन साहिबा के इशारे पर हल्का सा JCB चलाए और फिर चले जाते हैं। किसी के काम से ठप पड़ा हुआ है, बेरोजगारी है, कोई मकसद नहीं है। क्या करा इसको लेकर आप? आज हमने DM साहब को ज्ञापन दिया है। क्या उम्मीद है कि जिलाधिकारी महोदय जी से हमारा ये पुलिया का निर्माण कराएंगे। नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही क्या? बिल्कुल नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही है, नगर पालिका संभल ही नहीं रही है। किससे? चेयरमैन पर्सन से और समाज सेवी जो हैं, क्योंकि क्या पूरा आप तो मुझसे क्या आप किसी भी निवासी से पूछिए रामपुर शहर के, रामपुर का वोटर पुलिया में गिरा था, आदमी नहीं गिरा, वोटर जितने नगर पालिका को जिता के भेजा था। जो वोटर था बेचारा मजलूम गरीब था, वो पुलिया का जा रहा था, उसका पैर पिछला, वो स्लिप हो गया वहाँ पर गिरा। पुलिया अगर बनी होती तो उसके साथ हादसा तो नहीं होता, कोई भी नहीं पहुँचा उसके घर। हम चाहते हैं कि पुलिया जल्द से जल्द बने।